नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं बीके न्यूज। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एक बहुत ही लोकप्रिय और जनता के प्रति समर्पित राजनेता है, ये सभी जानते हैं। जब से उन्होंने हरियाणा का कार्यभार संभाला है, तब से हरियाणा की जनता में उनके प्रति इज्जत कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। शायद उनकी ओर से की गई सेवाओं का ही नतीजा है कि लगातार दूसरी बार हरियाणा में खट्टर की सरकार बनी है। मनोहर लाल खट्टर के बारे में एक बात और कही जाती है कि जितनी संजीदगी से वो अपना काम करते हैं, उससे कहीं ज्यादा वो एक भावुक नेता भी हैं। जब वो किसी के साथ अत्याचार होते हुए देखते हैं या फिर जनता का दुख देते हैं, तो वो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। इस बीच एक बार फिर से उन्हें रोता हुआ देखा गया और इस बार तो वो भरी विधानसभा में ही रो पड़े। अब उनके रोने के पीछे वजह क्या है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बजट सत्र के दौरान मंगलवार को विधानसभा में भावुक हो गए। वो विधानसभा में रोने लगे। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जब उन्होंने टीवी पर देखा कि कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदर्शन के दौरान एक ट्रैक्टर पर बैठे हुए हैं और पार्टी की महिला विधायक वाहन को रस्सी से खींच रही है, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। खट्टर ने कहा कि टीवी पर मैं ये दृश्य देखकर रात भर सो नहीं पाया और रोता रहा। मनोहर लाल खट्टर ने सोमवार को पेट्रोल डीजल तथा रसोई गैस की बड़ी कीमतों के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन का हवाला दिया और उन्होंने विधानसभा में कहा कि महिला विधायक के साथ ऐसा बर्ताव बंधुआ मजदूरों से भी बदतर है। प्रदर्शन के दौरान हुड्डा ट्रैक्टर की चालक सीट पर बैठे हुए थे और कांग्रेस विधायक उसे रस्सी से खींच रहे थे, ये बहुत शर्मनाक बात है। मनोहर लाल खट्टर ने इसका वीडियो भी अपने ट्विटर पर पोस्ट किया। वीडियो में वो विधानसभा के अंदर रोते हुए नजर आ रहे हैं, आइए आप भी देखिए वीडियो। जो बहुत बहुत भारी मन से एक विषय में रखना चाहता हूं, यहां सारे आप नींद नहीं आई मुझे। कल महिला दिवस था और महिला दिवस सारे देश ने दुनिया ने खूब अच्छे प्रकार से मनाया। विधानसभा में भी पूरे सत्र का संचालन ये समर्पित किया गया महिलाओं को। लेकिन यहां से जाने के बाद जब मैं टीवी देखता हूं, एक ऐसा भोंडा दृश्य, बंधुआ मजदूरों से भी बुरा महिलाओं के साथ जो व्यवहार किया गया। हमारे हुड्डा साहब, काद्यान साहब ट्रैक्टर के ऊपर बैठे हैं और उस ट्रैक्टर को खींच रही हैं हमारी बहनें, हमारी कांग्रेस की एमएलए बहनें खरीद रही हैं, और हमारी कलानौर की विधायक बहन शकुंतला खटक, और हमारे ये ऐसा ही नहीं है। और ये सिद्ध करने ये नहीं था, मीडिया झूठ नहीं बोलता, टीवी पर चला है, और ये बैठे थे वहां ट्रैक्टर के ऊपर। अच्छा होता मान लो इनको एक प्रदर्शन करना भी था, बहने ऊपर बैठ जाती है, ट्रैक्टर खींचते, ये लगते आगे, ये उसको जैसा खींच रहे थे बंधुआ मजदूरों की तरह, ये बनते खुद एक बार प्रदर्शन का मजा भी आता, पता भी लगता। बता दे मुझे, कांग्रेस के सारे विधायक ये दृश्य था कि नहीं था? ये दृश्य था। सारी रात में सो नहीं पाया हूं, शर्म करनी चाहिए। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि महिला दिवस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने महिला विधायकों के प्रति जो संवेदनशीलता दिखाई है, उससे मैं बेहद आहत हूं। वहीं हुड्डा ने इसके जवाब देते हुए कहा कि रसोई गैस और अन्य जरूरी सामान की बढ़ी हुई कीमतों का दर्द महसूस करने वाली महिलाएं ही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने दिल्ली की सीमा पर कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रही महिलाओं की तकलीफों से आंखें मूंद ली हैं। इस बीच विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव आने से एक दिन पहले जेजेपी विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि वो प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े हैं, लेकिन सत्तारूढ़ गठबंधन से अलग होने का फैसला वो अकेले नहीं ले सकते। ये पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि जब पार्टी व्हिप जारी कर देती है तो पार्टी का फैसला का ही पालन करना पड़ता है। अब देखना होगा कि कांग्रेस की इस अमानवीय और बेवकूफी से भरे हरकत पर पार्टी के आलाकमान की क्या प्रतिक्रिया होती है। वैसे कांग्रेस की पार्टी की इस तरह की अमानवीय हरकत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं, और देखते रहें बीके न्यूज़। धन्यवाद।